नमस्कार दोस्तों, सीखो सीखा चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं तुलसी माथुर और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है ट्रांसपेरेंसी टूल। तो अगर आपको जानना है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी टूल है इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो ट्रांसपेरेंसी टूल है यहां पे है। आपके पुराने वर्जन हो तो उस पे आपको यहां पे ड्रॉप डाउन मेनू में ये लास्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इस ट्रांसपेरेंसी टूल को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल से यहाँ पे बनाई हुई है। तो मैं वैसे के लिए आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो टूल है इसे किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लिया और यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसे नीचे की ओर ला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी व्हाइट हो रही है। अब मैं इस ब्लैक को पकड़ के थोड़ा सा सामने कर देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। यहाँ क्या हो रहा है, चलिए इसे देख लेते हैं। ठीक टूल लेता हूँ मैं, अब यहाँ पे इसे लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी जो टूल हमने यूज किया ना, ये जो ट्रांसपेरेंसी टूल हमने यूज किया हुआ था ये देखिए। ठीक है, इसके हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं इस ट्रांसपेरेंसी टूल का। ओके, अब इसे जो है हम लोग कोई भी इमेज पे फोटो पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी एक फोटो है, मैंने गूगल से डाउनलोड की है, तो जिनकी फोटो है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और फिर से मैं ट्रांसपेरेंसी टूल पे लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अगर लेके आऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे ये व्हाइट हो रही है। और ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ये व्हाइट हो रही है। तो इस चीज़ आप फोटो पे भी लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं डिफरेंट टाइप के, तो आप इन सब टूल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अगर इस पर क्लिक कर दूँ ना तो यहाँ पे देखिए ये जो व्हाइट थी है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आप इसे भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो आपकी मर्जी, आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑप्शन है कि किस तरह से आपको यूज करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये देखिए, अगर इस तरह का आपको इफेक्ट चाहिए तो बस इस पर क्लिक कर दीजिए, वो जो इफेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो लीनियर ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, और मैं ज़्यादातर लीनियर ही यूज़ करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, और देखिए मैंने आप लोग को बताने के लिए और भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को एक चीज नहीं बताई, यहाँ पे हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म है, ये देखिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है ये काम करेगी। ये देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप ये फोटो सेट हो जाती है। फिर यहाँ पे देखिए किया हुआ है, इसे भी देखिए इस तरह से हमारे पास ट्रांसपेरेंस हो गया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा और यहाँ पे
सारे ऑप्शन आप कोई भी ले सकते हैं। ओके और मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हुआ था, तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। मैं कुछ अपने काम में बिजी था जिसके कारण आप लोग के लिए रेगुलरली जो है वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए रेगुलरली जो है वीडियो लेके आऊँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।